हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे आलू गाजर और मटर की सब्जी। उसमें डालेंगे आज हम पालक। पालक डालकर बनाएंगे ये सब्जी। आज हम ये सब्जी बनाएंगे कुकर में और मसाला रेडी कर लेते हैं। उसके लिए पहले कुकर में डाल लेंगे तेल। अब तेल हो गया गर्म, इसमें चॉप किया हुआ प्याज, अदरक, हरी मिर्च और लहसुन डाल देंगे। इसके साथ ही डाल देंगे चॉप किया हुआ टमाटर। और जीरा इसमें डाल देंगे, एक चम्मच नमक, लाल मिर्च, हल्दी, गरम मसाला। अब इसमें डाल देंगे थोड़ा सा पानी तड़के में। अब ढक्कन लगा कर ना जो हमने जो मसाला रेडी किया है उसकी दो बिसल लगा देंगे, और जब दो बिसल आ जाएंगी तो गैस कर देंगे बंद। अब इस मसाले को दो बिसल आ गई है, अब इसकी स्टीम निकल गई है। कुकर खोल कर देख लेते हैं। मसाला रेडी हो गया। अब इसमें डाल देंगे जो कटी हुई गाजर, और गाजर मैंने ना थोड़े मोटे साइज में काटी है क्योंकि कुकर में बनानी है ना। और जो डाल देंगे इसमें आलू, आलू मैंने इस साइज में काटा है, आलू थोड़ा पतला काटा है और गाजर को थोड़ा मोटा। इसमें डाल देंगे मटर, हमने सब्जी में ना पानी नहीं डालेंगे, इसको ऐसे ही ढक्कन लगाए बिना ना 5 मिनट ऐसे ही पका लेंगे, उसके बाद लगाएंगे ढक्कन ताकि जो इसमें पानी है ना थोड़ा थोड़ा वो भी कम हो जाएगा, और पानी बिल्कुल भी नहीं डालेंगे इसमें। तो ना ये सब्जी वैसे ही बनेगी जैसे कि कढ़ाई में खिली खिली बनती है ना, वैसे ही बनेगी कुकर में भी। तो ऐसे थोड़ी देर ना बिना ढक्कन लगाए पकाएंगे। अब ना मैंने ढक्कन लगाए बिना इसे 5 मिनट पका लिया है। जो गाजर ने पानी छोड़ना था वो छोड़ दिया। पालक को मैंने काट लिया था, अब इसको डाल देंगे इसमें। अब लगा देंगे ढक्कन और इसकी लगाएंगे एक बिसल। जब इसके एक बिसल आ जाएगी तो गैस कर देंगे बंद। अगर आप भी ऐसे सब्जी बनाएंगे तो ऐसे बनेगी जैसे ये कढ़ाई में बनती है। अब सब्जी को एक बिसल लग गई है, इसकी स्टीम निकल गई है। कुकर खोल कर देख लेते हैं कैसी बनी है। अब इसमें डाल देंगे कटा हुआ धनिया, अब सब्जी को हम सर्विंग प्लेट में ट्रांसफर कर लेते हैं। आलू मटर गाजर और पालक की सब्जी बनकर रेडी है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।